एग्जाम्पल नाइन एग्जाम्पल नाइन हमारे पास है फाइंड द रूट्स ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लेकिन इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि अब तक हम रूट्स तभी फाइंड आउट कर पा रहे हैं जब हम लास्ट वाली टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके दो और नई टर्म्स बना लेते हैं लाइक ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी और फिर आराम से बहुत इजीली रूट फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अगर लास्ट वाली टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली बन जाए तो क्या रूट्स होंगे तो वहाँ पे कोई रूट्स नहीं होंगे उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सो so, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम्पल को स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो सबसे पहला स्टेप पहले स्टेप में जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हमें इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है ताकि हम उसे इज़ीली सॉल्व कर सकें यानी कि फर्स्ट टर्म को सिर्फ एक्स स्क्वायर ही छोड़ देना है तो एक तरह से यहां पे फोर एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे फोर से डिवाइड कर देंगे इसे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो पूरी इक्वेशन को हम फोर से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर एक्स प्लस फाइव बाई फोर इज इक्वल्स टू जीरो तो अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं सो so सबसे पहले हम अब अपने मेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड को स्टार्ट करते हैं उसमें हम मिड वाली टर्म को हाफ करके अलग अलग लिखेंगे तो थ्री बाय फोर का हाफ हो जाएगा थ्री बाई एट सो अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्स प्लस थ्री बाई एट एक्स प्लस थ्री बाई एट का होल स्क्स माइनस आपस में एक दूसरे को बैलेंस करवा देंगे इस इक्वेशन को नेक्स्ट प्लस फाइव बाई फोर अब हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे लेफ्ट पार्ट और राइट right पार्ट वाले टर्म्स को जो हम करते आए हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय एट एक्स प्लस थ्री बाय एट का होल स्क्वायर माइनस नाइन बाय सिक्सटी फोर माइनस फाइव बाय फोर ये अलग ब्रैकेट में आएगा अब ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में क्यों आई हैं ताकि हम इजीली इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट कर सकें अब हम सॉल्व करते हैं इसे तो ये होगा हमारी क्वेश्चन बन जाएगी एक्स प्लस थ्री बाई एट का होल स्क्वायर माइनस नाइन माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी क्वेश्चन होगी x प्लस थ्री बाई एट का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट नाइन माइनस एट्टी अपॉन सिक्सटीन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगी x प्लस थ्री बाई एट का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस सेवेंटी वन अपॉन सिक्सटीन और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस थ्री अपॉन एट का होल स्क्वायर प्लस सेवेंटी वन अपॉन सिक्सटीन तो हम यहां देख सकते हैं हम ये जो हमारे पास लास्ट टर्म्स आई हैं कुछ इस टर्म को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते विच मीन्स यहां से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके कोई रियल रूट्स नहीं है सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स ऐसा कब होगा जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे तो उस केस में ऐसा कब होगा उस केस में ऐसा तब होगा जब हम लास्ट वाली टर्म में लास्ट केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में हमारी गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो उस केस में जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमें पता चल जाएगा कि उसके रियल में कोई रूट्स नहीं है और इसी चीज़ से हम जो हमने अब ये चीज़ एग्जाम्पल में करी है उसी चीज़ से हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा होता है कैसे ये डायरेक्टली हमें किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है